गाइज अभी मसराम भैया और अंकिता दीदी यहाँ से जा रहे हैं जयपुर। एक हफ्ता कैसे निकल गया मुझे पता नहीं चला, मतलब एक दूसरे के साथ कॉमेडी करते रहे और काफ़ी एक दूसरे से मतलब है ना खुल गए, अच्छे से दिल लग गया था, मतलब अच्छे से मन लग गया सभी का। और मतलब ऐसे नमस सा फील हो रहा है कि यार आज जा रहा है भाई छोड़ के, तो पता नहीं फिर कब मिलेंगे, ज़िंदगी है पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं। तो वो अपने कपड़े वपड़े पैक कर रहे हैं। भैया से ना बहुत मन लग गया था और अंकिता दीदी का मन भी बहुत साफ है, बहुत उनके साथ जो एक हफ्ता निकला है वो हमें मुझे नहीं पता लगा कब निकल गया, मतलब जैसे ऐसे लगता है कि एक दो दिन निकले हैं हमारे और हम लोग एक सप्ताह एक साथ रहे, बहुत अच्छा फील हुआ। अभी जा रहे हैं तो मतलब ऐसे होगा ना आज और कल तो मन नहीं लगेगा फ्लाइट पे, क्योंकि यार हम अकेले हो जाएंगे वो वापस से जब रहेगा। आगे भी हम मस्तराम भैया और अंकिता दीदी से मिलते रहेंगे, अभी जब हम जयपुर जाएंगे तो इनके वहाँ जाके आएंगे, उनसे मिल के भी आएंगे। और अभी हम लोगों ने दिल्ली घुमा दिया इनको, तो अब ये जयपुर घुमाएंगे हमें। मान लो हम बस आपके भाई को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो मतलब लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोग खुश हो मेरे वीडियो देख के और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको दूँ। एक अच्छा सा कमेंट करो जिससे मेरे अंदर खुशी हो और आप मुझे जगह ही बता दिया करो कि भाई उस जगह का वीडियो बना, वो तो अच्छी लोकेशन है तो वहाँ जाने की कोशिश भी करेंगे। तो अभी दो चार बात मस्तराम भैया और अंकिता दीदी से कर लेते हैं। हाँ तो भैया जा रहे हो आप लोग? जी भैया। यार मन तो नहीं लगेगा ना? रुक जाओ, कौन भेज रहा है बताओ? किसने बोला भाई जा रहे हो जाओ? भैया ने बोला ना। कब बोला? अरे यार हम लोगों का तो आज दो तीन दिन तो मन ही नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि देखो आप गए। सुनो एक मिनट, मैं बताऊँ आप जाओगे यहाँ से, ये जाएंगे ड्यूटी, ओके? ईशू चल जाए कल स्कूल, ओके? डुगू चल जाती है आंगनबाड़ी है ना, अब यहाँ पे कौन रहा? आड़ी बाड़ी जाती है डुगू। यहाँ पे कौन रहा? मैं और मिंटू। तो मिंटू अपना काम लगी रहती है, मैं इधर एडिटिंग करता रहता हूँ बस। बढ़िया ना, सुकून है? सुकून नहीं है, एक दो दिन मन नहीं लगेगा और आपका भी नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ। मतलब इतने सारे लोगों में से जा रहे हो आप लोग, तो मेरे हिसाब से तो यही इस रूम का किराया दे देना, यही रह लो 10,000 रुपये। बोलो इस रूम का 10,000 रुपये किराया दे देना, हमारा भी खर्चा निकल जाएगा और आप भी हमारे साथ और आपके साथ। अरे यार चल कम दे देना, 1,500 रुपये डिस्काउंट, 500 रुपये डिस्काउंट। चल ऐसे कर लो, 1 रूम का 3,000 और जितना भी यहाँ रोटी पानी खर्चा वो आपका, हम लोगों का भी नहीं नहीं आपका रखो। फिर तो मैं रोज पनीर बनवाऊ, रोज दाल बाटी पनीर अच्छी अच्छी। 3,000 रसोई रसोई का 2,000 और लेटरिंग का 1,000। जगह ही नहीं है यहाँ पे दिल्ली में, तो सुबह सुबह 4 बजे दिल्ली में जगह नहीं है भैया। अरे पता नहीं चल रहा, सुबह 4 बजे गली में है। तो गाइस ईशू का भी मन नहीं लग रहा क्योंकि एमी जा रही है और ये डुगू और ईशू बहुत खेलती थी इससे। और एमी स्माइल करो, एमी अपन चल रहे। वैसे गाइज एमी साइकिल बहुत चलाती है, साइकिल देखो 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 लाते मारते है, देखो चले अपन भाई, ये भी खुश हो रही है। अच्छे से जाना ट्रेन में बैठ के, और वैसे भी आपका एसी वाला है तो उसमें सर्दी वर्दी नहीं लगेगी आप लोगों को, तो फुल मजे लेते जाओ। और हमारे हिसाब से तो भाई रुक जाओ, आज आज और बहुत ही आना डुगू देखेगा बच्चा गया कहाँ आज, इनको बहुत याद करेगी डुगू। हाँ, उसको पता चलेगा तो रोएगी ना अभी हम जाएंगे। हाँ, बहुत ज्यादा रोएगी वो, कहेगी बच्चा कहाँ गई, मतलब पूछेगी वो, परेशान कर देगी बच्चा कहाँ गई। ईशा तेरा मन क्या कर रहा है, भेज दे एमी को, रख ले यहीं पे एमी को। प्रेस होगा आज का खाना इन दोनों के साथ, भाई मेरा भी फिर पता नहीं कब खाऊंगा, और अब तो भाई इनके घर जाके खाऊंगा चोमू। तो भाई अब अगला खाना इनके घर पे होगा मेरा, पता नहीं क्या खिलाएंगे मेरे को ये, क्या पनीर की सब्जी खिलाओगे ना, बाटी दाल। मनीषा खाई थी दूध बादाम, मोटी हो गई थी। तो मैं तेरे नॉर्मल रोटी खिलाने वाला हूं, फालतू मोटा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तेरे घर वाले कुछ बोले नहीं, छोड़ने जाएंगे। क्या हो रहा है आज, इतना कुछ नहीं हो रहा, अंकिता जा रही है हमें छोड़कर, नहीं छोड़े कहीं
कुछ भी कंटेंट याद कर। आ गया सब आ गया उसमें, दोनों बैगों में सारा सामान आपका। मजा आ गया ना? ये अंकिता दीदी ये वाला बैग इनको देना है और वो आपको रखना है ना। तो गाइज अभी हम अंकिता दीदी और मसराम भैया को छोड़ने जा रहे हैं और इनका टाइम हो गया भाई ट्रेन का, तो आ जाओ गाइज आ जाओ। ये मैं लेके जा रहा हूँ गाइस, ये ट्रॉली वाला बैग मुझे अच्छा लगा भाई, घुड़ा के लिए। चलो इतना ही चलो गणेश ना भैया, पीछे टांग लेना पीछे इसको। ये सारा सामान हम लिफ्ट में लिया है, ये देखो इसको यहाँ रख देते हैं, अभी जा रहे हैं भैया को छोड़ने। रहे तू क्यों बंद होती है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो गाइस ये सामान निकल गया हमारा लिफ्ट से और हम लोग आ गए नीचे पार्किंग में और ये रही अपनी गड्डी। चलो भाई, तो भाई ये अपनी गड्डी बाहर आ गई और अभी हम छोड़ने जा रहे हैं कितना दीदी और मस्तराम भैया को। ये मैं गाड़ी चला रहा हूँ भाई क्योंकि ट्रेन का टाइम हो चुका है, अभी जल्दी जल्दी निकल। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पालम, अब यहाँ से हमारी ट्रेन है पिक्स 1 बजे और अभी टाइम हो गया 12:30, आधा घंटा हमारे पास। तो विष्णु भैया और मिंटू दीदी हमारे साथ जा रही है छोड़ने हमको, तो आज हमारा इनके साथ में सिर्फ 1 घंटा बचा है। ने वाले भाई हम पहुंच गए पालम रेलवे स्टेशन पे और भैया चार्जर भूल गया आईफोन का, वो भी 2000 रुपये का। तो गाइस ये देखो हाल बेहाल हो रखे, हाल बेहाल हो रखे हैं भाई सच में। मेरे पीछे आ रहे हैं लोग, मैंने ले लिया इनका बैग। यहाँ पे एक अच्छी सी लड़की फैंस मिल गई थी और मेरी वजह से अंकिता और मिंटू को पहचान गए हो, तो भाई बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। भैया भैया कितना कमाल हो गया, इन दोनों को कोई नहीं पहचाना, मुझे एक लड़की बोली भाई मैं इसको पहचान गई और मेरे चक्कर में इन दोनों को पहचान गई, फिर वो बड़ी खुशी की बात है। लड़कियाँ देखती मुझे यार, जैसे बोलता हूँ स्मार्ट बंदा हूँ मैं, आपकी तरह इतनी बड़ी दाढ़ी वाड़ी नहीं रखता मैं। लड़कियाँ मरती है इनके। अच्छा दाढ़ी वाले लड़कों पे मरती है, मरी एक दो आपके चक्कर में, ये मर गई है। ये छोटी सी मिंटू मान गए ना भाई की पहचान। भाई जी मतलब ऐसा मन हो रहा है कि यार इनके बैग वापस ले जाते हैं और 1 हफ्ते बाद फिर छोड़ देंगे इनको। ओके चले आप ऐसा करो, हाँ हमको जयपुर छोड़ आओ, फिर हम आपको छोड़ने वापस आ जाएंगे। देखो 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 भैया, रुक लो दो 5 दिन फिर सक्रांत के दिन चल चलेंगे। सच बताना ना आपको मेरी कसम है, झूठ बोले तो आपको आपकी डैडी की कसम है ना, मतलब मन लग गया था यहाँ पे नहीं, दाढ़ी के साथ साथ इस लाड़ी की कसम आपको। मन तो देख अच्छा, मेरे को बहुत बड़ा फील हुआ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, पर ये लास्ट के 1-2 दिन है ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पर एक एक जगह 8-8 दिन तक पड़े रहे ना तो अजीब सा लगता है कि यार वजन सा लगने लग जाता है खुद को कि यार कब तक पड़े रहे घर में, कब तक ऐसा, बस बाकी और कुछ नहीं है बाकी सब। और आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मन लग गया था यहाँ पे, ऐसा लगा भाई कहीं अलग जगह आए, दीदी दोस्त जैसे आप भाई मिल गए और भाई आए, तो सब ना जैसे अपने जैसे मिल गए, सब कैमरा ले लेके खड़े हो जाते हैं बनाने के लिए, कॉमेडी सब कॉमेडी करते हैं, घर की तरफ रहते हैं, सब खाना खाते हैं, हंसी मजाक सब कुछ करते हैं ना, तो मुझे तो सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और भैया अगर मुझसे कोई गलती हुई हो कभी मजाक वजाक में, ऐसी कोई बात निकली हो जिसमें आपको तू भी बोल दिया कभी कभी मजाक में, वो चीजें भूल जाना क्योंकि मैं ऐसे ही बोलता रहूँगा। आप गुस्सा भी करोगे तो मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि बड़े भाई से पंगा लेने में अलग ही मजा है, समझे? बड़ा गुड में आप बड़े यार, चौबीस साल का चलन ये नहीं गलत बात है, गंदी बात दोस्त के दम नहीं कर, मेरे से ना 2 साल बड़े हैं भाई, ए भगवान का तरफ कड़ी भाग रही दुनिया में। गाइस मेरे से 4 साल छोटे हैं, अभी ये बच्चा है, मैं इससे बहुत बड़ा हूँ, 5 साल बड़ा हूँ, अब कुछ हो गया है ना, तो मैं से बोल रहा था इस नए साल में सारी चीजें भूल जाना, मैंने आपको कुछ बोला भी हो तो माफ करना, बाकी आगे मैं जयपुर आ रहा हूँ तो आप लोगों के पास रहूंगा 4-5 दिन, आपको बहुत परेशान करने आ रहा हूँ सच में, वहाँ पे इतना देख ला अभी से क्या बोल रहा है कौन है,
और अंकिता दीदी आपको ही बोल दूं भाई, कोई गलती हुई हो हमसे तो माफ करना, ऐसी गलती हम करते रहेंगे चाहे आप गुस्सा हो चाहे मत हो, लेकिन बता रहे हैं भाई भूल जाना ऐसी बातें। ओके मुझे बहुत अच्छा लगा और अपने रियल में भाई बहन के जैसे रहे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ वो भाई बहन वाला कंटेंट बनाना, मस्ती करना, मजाक करना सब कुछ। ये ट्रेन आ चुकी है आप देख सकते हो और अभी ये लोग चले जाएंगे गाइस। पीछे पीछे बी बना जरा, तो कौन सा है मेरा पीछे की तरफ है, चलो पीछे। हाँ अरे ये बी बना है, ये तो वह वाला वो एसी और एसी। अरे चलो और चला बी और चल, अरे पीछे है यार। अंदर अंदर निकल जाना, अंदर ही अंदर देख। बाय बाय। तो गाइज ये ट्रेन ले गए भाई, भाई ये ट्रेन ले गए भाई मस्तराम और अंकिता दीदी को, और भाई अभी हम जा रहे हैं प्लेट पे वापस। हम तीनों ही हैं भाई, अब और कोई नहीं है, ईसा और बस हम दोनों, तीन चारों की मस्ती रहेगी। और वो लोग गए भाई बहुत अच्छे थे भाई, सच में मजा आया, कॉमेडी भी थे और अच्छे भी थे, दिल के साफ थे। चलो बाकी बातें हम लोग, उनका वो डिब्बा थोड़ा पीछा रह गया तो बैग वैग लेके भागे और इसलिए थोड़ा सा भाई सांस भर रहा है। बाकी अभी हम जा रहे हैं फ्लैट पे बाकी। तो गाइस वो लोग गए, अभी हम भी चलते हैं। ये देखो अपनी गड्डी खड़ी है, तो भाई चलें, इसका लॉक खुल गया और अब बैठेंगे गाड़ी के अंदर। तो गाइस मैं आपको बता दूं भाई, सच में यार उन लोगों के साथ टाइम कैसे निकला मुझे भी नहीं पता। बाकी काफ़ी मस्ती करी, काफ़ी कॉमेडी करी, और मस्तराम भैया बहुत कॉमेडी बॉय हैं और अंकिता दीदी बिल्कुल सीधी है, ऐसे कोई एटीट्यूड नहीं है उनमें कि हमारे इतने फॉलोअर्स हैं और हम इतने फेमस हैं तो हम अलग ही अंदाज में रहते हैं। नहीं भाई, सिंपल बात करते हैं, जैसी जैसी आप बात करोगे वैसी वो बात कर लेते हैं, जैसे आपका माहौल है वैसे वो बन जाते हैं। और क्या बताऊं, जितनी तारीफ करें उतना बहुत कम, क्योंकि मैंने सोचा था कि यार इतने बड़े यूट्यूबर हैं तो ईगो भी होगा, मैंने सोचा था पहले, लेकिन ऐसे नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तो गाइज आप सभी को दिल से थैंक यू, मेरे वीडियो पे इतने सारा प्यार, इतने सारे लाइक और इतने सारे व्यूज और मेरे सब्सक्राइब भी आपने बढ़ाए। तो आप सभी से बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि बस भाई को सपोर्ट करते रहना, आपका भाई में भी बिल्कुल ईगो नहीं है, आप जैसे बोलोगे वैसे मैं वीडियो बना दूंगा। और भाई बिल्कुल मैं भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, मैं भी कोई पैसे वाला बंदा नहीं हूँ, बस सिर्फ आप लोगों का प्यार पाने के लिए जो मेहनत कर रहा हूँ वो बस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो कमेंट करते हो विष्णु भाई अच्छे लगते हो वो तो यार अंदर से खुशी होती है आप लोगों की ये कमेंट देख के। तो बस भाई को सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अंकिता दीदी, मस्तराम भैया, मेरी सिस्टर मिंटू, उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और मस्तराम भैया, अंकिता दीदी, उनको भी सपोर्ट करना। तो थैंक यू सो मच, इस ब्लॉग का अब यहीं एंड करते हैं।